मकान बनवाने को लेकर विवाद। शमसाबाद इमली दरवाजा, शमसाबाद फरुखाबाद में खुर्शीद आलम पिताजी मकबूल आलम खान ने अपने खेत पर स्टिल रखा था और नगर पंचायत में सड़क बनवाने के लिए लेबर और जेसीबी ट्रैक्टर को लेकर गए और सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया और खुर्शीद आलम ने अपनी महिलाओं के साथ आकर के निर्माण कार्य रुकवा दिया और कहा कि हम सड़क नहीं बनने देंगे और वहीं पर महिलाओं के साथ सड़क पर बैठे गए और सब महिलाएं कहने लगी कि हमारे मर जाने के बाद ही सड़क बनेगी, जिस पर लेखपाल, शमसाबाद नायब तहसीलदार कायमगंज, उप जिलाधिकारी कायमगंज, 5 थानों के पुलिस फोर्स के साथ शमसाबाद कायमगंज कंपिल मेराजपुर नवाबगंज पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और महिलाओं से वार्तालाप कर निर्माण कार्य शुरू करा दिया। महिलाओं से पूछने पर पूछा अपने टेस्ट किस नंबर पर लिया था, इस पर महिलाएं बताने से हिचकती रही और लेखपाल और नायब तहसीलदार का कहना है कि खुर्शीद आलम का स्टे 13 नंबर पर है और निर्माण कार्य 12 नंबर पे हो रहा है। देखिए, आप महिलाओं बच्चों का सहारा लेकर के आप लोग गुंडाई बमाता हो और ये गवर्नमेंट में इस तरीके की बातें नहीं चलेंगी। आप सार्वजनिक रास्तों पे कब्जा नहीं कर सकते हैं, बहुत लंबे समय से आप कब्जा करे चले आ रहे हैं। आप कहो कि महिलाओं बच्चों का आगे करके आप प्रशासन को मूकदर्शक साबित कर दो या प्रशासन को गुमराह करिए, कोर्ट को गुमराह करिए, नहीं कर सकते हो आप। ये अवैध कब्जा आपको छोड़ना होगा, आपका प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। अरे कोर्ट को आप, कोर्ट में जो आपने बात कही है हम उसे उसको मान रहे हैं। हम 612 को देख रहे हैं, कोर्ट ने 613, 616, 617, 618 की बात कही है तो उसमें हस्तक्षेप न किया जाए। हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, 612 देख रहे हैं अपना। इसके लिए कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। अब आपने भी कहा कि 612 रास्ता चल रहा है तो वही तो रास्ता चल रास्ते पर गठजोड़ है, वही तो वही कर रहे हैं। आपकी जगह पर कह रहे हैं उधर रास्ता, आपको कैसे मालूम? अभी देखो मैं, ये दर्ज है। नेशनल खबर 9 से प्रेस वाले। क्या मामला है सर? अभी क्या मामला हुआ? आपने जो आश्वासन दिया है और ये जो लोग हटे हैं, क्या आश्वासन दिया है बता दीजिए। चक्रोड का लेकर विवाद था, कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन था कि ये चक्रोड है, ये हम लोगों की भूमिधरी से है, तो इनके भूमिधरी की पैमाइश की बात कर ली गई, तो मुकदमा कर लेंगे, उनके भूमिधरी की पैमाइश अलग से कर लेंगे। चक्रोड अपने जो नियत जगह है उस पर बन रहा है और इस पर कोई भी न्यायालय का आज तक आदेश या कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस नंबर पर होता है। बाकी पक्ष सहमत हो गए हैं, वो कोई व्यवधान नहीं और आज केवल अभी कच्चा काम हो रहा है, बाकी निर्णय होने के पश्चात इस पर आगे का जो भी प्रपोजल होगा संबंधित विभाग। सर, अगर इनका नंबर नहीं था तो ये महिलाएं यहाँ पे बैठी क्यों थी? सर, आप अपनी शिकायत बोलने के लिए शिकायत करता है, उनको कुछ भ्रम होगा तो वो लोग कर रहे होंगे, अब इसके पश्चात उनका अगर संदेह और भ्रम का निराकरण कर लिया जाएगा तो उनका समस्या दूर। शमसाबाद में कटीले तारों में आए करंट से वृद्धा की मौत, पत्नी को बचाने का प्रयास करने वृद्ध झुलसा, जानवरों के लिए चारा एकत्रित करने गए थे दंपत्ति, मौत की सूचना मिलते ही घर परिवार में कोहराम। शमसाबाद थाना पुलिस ने मृतक महिला का पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के अनुसार शमसाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम हजियापुर निवासी चौकीदार महिला चंद्रवृद्ध पत्नी नन्ही देवी उम्र 62 वर्ष के साथ सोमवार के अपराह्न जानवरों के लिए चारा लेने गयी थी। निचली गंगा नहर के किनारे स्थित उलियापुर निवासी पूर्व ग्राम प्रधान भूपेंद्र सिंह यादव का नलकूप यहाँ खेत में गन्ने की फसल तैयार करने की गई थी। फसल की सुरक्षा के लिए चारों ओर कटीले तार की बैरिकेटिंग की गई थी। लगाए गए कटीले तारों की बाढ़ में 440 वोल्ट का करंट छोड़ा गया था जिससे जानवर खेतों के पास ना फटक सके। सोमवार को दंपत्ति पशुओं के लिए चारा एकत्रित करने गए हुए थे। बताते हैं कि जिस समय दंपत्ति खेत के किनारे चारा एकत्रित कर रहे थे उसी दौरान महिला कटीले तारों की चपेट में आ गए और तारों से चिपक गए। उधर महिला की चीख पुकार सुन बचाने की कोशिश की, इस दौरान झुलस कर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों तक पहुंची तो ग्रामीणों का हुजूम मौके पर उमड़ा। दोनों बेटे माँ के सब ऊपर दहाड़ मार कर रोने लगे। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं शमसाबाद पुलिस ने
दर्दनाक मौत का शिकार बनी वृद्धा के सबको पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए फतेहगढ़ भिजवा दिया। आरे। 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 आरे।